बेगम एक बात बताऊं, तुम्हें जो है ना इस ड्राइविंग सीट के ऊपर देख के मुझे पता है क्या लग रहा है। जितनी तुम छोटी लग रही हो, वो जो नहीं छोटे बच्चे जब वो हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो उनको सीट पे बिठाने के लिए पहले जो है ना एक लकड़ी का पीस रखते इसके ऊपर बिठाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें बिठाना पड़ेगा। बेगम बेगम इनको उड़ाना नहीं है बाइक वालों को, नहीं 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 उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं, मोबाइल लेने के लिए नहीं आई है। इंटीरियर चेक करते हैं जरा सा। अच्छा टोयोटा की है, ये चाबी भी आ गई। मुझे तो लग रहा है रियान भाई बोल रहे हैं गिफ्ट है, मुस्तफा भाई आप ले जाएं। सियान भाई ने बोला कि आपको जो है ना इस तरह मजा नहीं आएगा, आपको ड्राइव कराते हैं। सही है, हम जरा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज जो है ना ये देखिए बड़ा चैलेंजिंग है सारा कुछ। 10:45 जो है ना मैंने सुपरमार्केट पहुंचना है, वहां पे हमने ऑर्डर देना है और आज एडवेंचर ट्रिप की सारी तैयारी करनी है और फटाफट टाइम नहीं है, फटाफट निकल रहा हूं मैं, आप लोग भी निकले यहां से। दिन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें जो है ना गाड़ी में बैठ के करते हैं, ठीक है? कहाँ जाना है? बाहर जाना है आपको? बहाना चाहिए मतलब बाहर जाने का है? बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। ये रोटी पराठा आ गया, सही है, हम नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी और इसके बाद निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई सफर स्टार्ट हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आज का जो एडवेंचर ट्रिप स्टार्ट होगा उसके अंदर हमारा जो है ना टारगेट है और बहुत खतरनाक टारगेट है, क्योंकि एक भाई हमारे साथ जो है ना जा रहे हैं, सही है, वो यूके से आए हुए हैं। सैटरडे समझ लें, जैसे ही सैटरडे लगेगा रात 12 बजे हमने उनको वापस कराची लेके आना है, क्योंकि रात में उनकी फ्लाइट है, ठीक है? अब सिलसिला ये है कि आज शाम में अगर हम निकलते हैं तो हमें कल रात 12 बजे तक पहुंचना है लाजमी, सही है, वरना तो मिशन फेल हो जाएगा हमारा। चले भाई पहुंच गए। ओ अदनान भाई बैठे हैं, वो है सामने, मोबाइल निकालो। तो क्या लगा गया मोबाइल भाई? काम तो हो रहा है हमारा, ग्रॉसरी व्रॉसरी का ऑर्डर दे रहे हैं, साथ में जो है ना अदनान भाई के साथ एक चैलेंज करते हैं। ये बर्फ का पीस है, ठीक है, अब आप पूरा मेल्ट कर देंगे इसको अपने हाथ पे? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं करें ना भाई, चील है यार, क्या नहीं। तो क्या हो गया, क्या हो गया, तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है, हो रही है, क्या हो रही है, जलन, अपने फीलिंग्स बताओ, क्या जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है ना भाई? गाड़ी के ऊपर तो आगे पीछे रिक्शे लगा दिए हैं भाई, सब ये हटाने पड़ेंगे भाई, थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, गाड़ी निकालनी है। ये देखिए इधर भी रिक्शा, इधर भी रिक्शा, इधर भी रिक्शा, सारी गाड़ी पैक कर दी। ओए भाई इधर से भी जगह नहीं है और रिक्शे में खुद बैठे हुए भी नहीं है भाई, अल्लाह अकबर। देखें ये तो हाल है कि मतलब रिक्शे को छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं अंदर गए कहाँ गए, गाड़ी को बिल्कुल पैक कर दिया है भाई जान। जूस हमने जो है ना हाथों हाथ उठा लिए, बाकी सारा सामान वो लोग निकाल रहे हैं और उनको तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा, इसका रॉ मटेरियल हमारे लड़के पैक करेंगे, इसका हम लोग शाम में निकलेंगे, ठीक है? तो जूसेस अभी हमें रेडी थे तो हमने डाल ली गाड़ी में। ओए भाई ट्रैफिक में फंसा हूं बहुत बुरी तरीके से, ये देखें 12 बज गए हैं, ये देखें 12 बज गए हैं और 12:20 पे अब्दुल कबीर का पहला सेशन है, सही है, और मैं अभी तक पिक भी नहीं किया है फैमिली को, यार भाई चैलेंज ही चैलेंज। आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम, बेगम ने मारने हैं डंडे मुझे। गाड़ी की देख रहे हैं आप लोग, ये उस दिन नाथ की शूटिंग के बाद से लेके जो है ना अभी तक यही हाल हुआ है भाई। हाँ इसमें तो कुछ खाने की खुशबू आ रही है, क्या लेके आई हो बेगम? मोहम्मद अहमद के जूते लेके आई हैं, मुझे लगा कुछ खाने पीने का लेके आई है सेटअप हमारे लिए। भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, 12:15 हो गए अभी हम लोग नुमाइश पहुंचे हैं। 12:19 हो गए और इस गली में जाना है हमको, फाइनली 12:27 हुए, इनको उतार दिया मैंने। बेगम तो गई हुई है थेरेपीज के लिए, यहाँ बाहर बैठे बैठे आपके भाई ने एक काम कर दिया, होता क्या किया, कल का पूरा व्लॉग एडिट भी कर दिया और अपलोड पे भी लगा दिया। और बोले आप पैक हो गई आपकी थेरेपी? हो गई। चले भाई तो अब सिलसिला ये है कि आज तो मैंने बेगम को चाइनीज खिलाना है, वो मैंने आपको याद है ना, आपको मैंने आपको कहा था, तो आज मैं जिस लेवल का चाइनीज खिलाऊंगा ना तुम्हें तुम्हारी सोच है, ठीक है? और अभी हम लोग जो है ना एक जगह से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बेगम को आज जो है वो हम इस गाड़ी की ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग देते हैं, क्या कहती हैं आप? मार वार तो नहीं देंगे आप गाड़ी, पक्की बात है ना? पक्की। अच्छा भाई चलें फिर आ जाएं, आप आ जाएं ड्राइविंग सीट पे, बड़ा मजा आएगा। अल्लाह खैर करे। मुझे डर लग रहा है। अब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, अब आप गाड़ी में बैठी हैं समझ लें, और अब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, दोबारा ब्रेक दबाएं और अब आप स्टार्ट करें। हो गई स्टार्ट, सही है, अब आप ब्रेक छोड़ दें, बस हो गई। आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही था। सर मैं सर आपका टेस्ट भी तो लूँ ना, आखिरी गाड़ी आपने चलाई थी 2-3 बार चलाई है यहाँ पे, मैं देखूँ तो सी क्या याद है आपको, क्योंकि मुझे पता है आपकी यादाश्त का मसला तो है वैसे बचपन से। अच्छा नहीं, अच्छा ये नहीं बोलो, बोले बोली ये नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो भाई? अच्छा चले बताएं आप किस तरह चलती है गाड़ी, पहले बताइएगा मुझे, डायरेक्ट चला मत दीजिए। नहीं पता, भूल गई, भूल गई ना? ये देखें भाई ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। चले ब्रेक दबाएं,
ब्रेक दबा के ही गियर मारा जाता है, सही है, ये गियर है, इसको डी पे लेके आए, ब्रेक को छोड़िएगा नहीं, डी पे लेके आए, ब्रेक को छोड़िएगा नहीं, सही, हाँ डी पे ले गया नीचे, हाँ बस डी पे आ गया। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, रेस नहीं देनी और आगे देखती रहिएगा। अब सिलसिला यह है कि बेगम बच्चों की तरह बैठी हुई है यूं करके और यूं ऊपर हुआ होके देख रही है, ऐसे देख रही है, हाँ तुम कितनी छोटी लग रही हो यार। बस आप ब्रेक छोड़ें और इसी में ही जो है ना दिल खुश करती रहे अपना, सही हो, गाड़ी नहीं होती झूलों वाली, बच्चे का वो टोकन डालते हैं थोड़ी देर चलती है, यूं यूं आगे भी होती है। वो देखिए वहां पे आ गई है एक्वा, सही है, वो भी नई गाड़ी है, ये भी नई गाड़ी है, बस मारना नहीं, दूर दूर रहना बेगम। मोड़े 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 पूरा मोड़ो पूरा मोड़ो, अभी पत्थर के ऊपर लगा ली थी आपने। आज जो है माशाल्लाह आप ग्लासेस पहन के आई, फिर भी नहीं नजर आ रहा। ये देखो ये पत्थर अगर गाड़ी से लगता है नीचे तो कहाँ लगता है पत्थर, दिल पे लगता है। बेगम बेगम इनको उड़ाना नहीं है बाइक वालों को, नहीं 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 उड़ाना नहीं, उड़ाना नहीं, मोबाइल लेने के लिए नहीं आई है ये, सही लग रहे हैं बंदे। बेगम एक बात बताऊं तुम्हें, जो है ना इस ड्राइविंग सीट के ऊपर देख के मुझे पता है क्या लग रहा है, जितनी तुम छोटी लग रही हो, वो जो नहीं छोटे बच्चे जब वो हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो उनको सीट पे बिठाने के लिए पहले जो है ना एक लकड़ी का पीस रखते इसके ऊपर बिठाते, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें बिठाना पड़ेगा। बहुत मजे हो गए बेगम, बहुत मजे हो गए। अब जरा रिवर्स लेना, असल कहानी तो रिवर्स के अंदर है जब पार्क करते हैं। वैसे देखें ये वाले शीशे में देखने का होता है, ठीक है, और वो साइड मिरर जो है ना उसमें देखने का होता है पीछे क्या, लेकिन आप इसमें देखें आपके लिए सहूलत है। अच्छा मैं आप लोगों को बात बताऊं, अभी तो जवानी गाड़ियां हैं और गाड़ियों के अंदर बड़ी आसानियां आ गई हैं, यहाँ पे कैमरा लगा होता है, स्क्रीन है, साइड मिरर है। पुराने जमाने में हमारे जो वैन वाले होते थे वो पता है किस तरह रिवर्स करते थे, यूं करके, यूं देख के, ये स्टीयरिंग चलाते थे, यूं देख के रिवर्स करते थे, मतलब वो सिस्टम होता था। अब वो सिस्टम नहीं है, अब तो जो है आप आराम से शीशों में देख के जो है वो कर सकते, ठीक है। अब चले पैसे पूरे हो गए आप, सही, अब आप उतर जाए। हम लोग घर पे आ गए हैं, सिर्फ दोपहर के 3:45 बज रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं क्योंकि आज सुबह से कोई बड़ा मसला हुआ है, कराची के काफी सारे इलाकों में लाइट नहीं है। अब्दुल कभी लाइट चली गई है यार, कब आएगी भाई। घर पे आया हूँ तो पता चला है कि एक बहुत अफसोसनाक खबर है, वो खबर ये है कि हमारी जो बजीज थी, जो तोते थे, उनमें से जो है ना 4 तोते मर गए, ठीक है। तो ये एक सिलसिला हो गया बहुत बैड, और अल्लाह जाने गर्मी की वजह से या क्या, हम तो जो इनकी प्रॉपर डाइट है उसका ख्याल रख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी, अल्लाह पाक आसानी का मामला करे। बाकी जो है ना फाख्ते वगैरह और कबूतर वगैरह बिल्कुल चले माशाल्लाह, ठीक है। कब निकलेंगे अब्दुल कभी, बच्चे कब निकलेंगे इसमें से, कब निकलेंगे? अभी निकलेंगे बोल रहे अब्दुल कभी, अभी निकलेंगे। ओए होए, इंतजार की घड़ियां जो है ना अब खत्म हो गई हैं, मुझे कॉल आई अभी कि आपका खाना आ गया। बेगम और अम्मी सामने बैठी हैं, मम्मी चाइनीज के लिए तैयार हो? सही, बेगम तैयार हो चाइनीज के लिए? ये आ गया भाईजान अपना खाना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मजे में? आहा, निकाले भाई, इंतजार नहीं हो रहा, निकाले। ये चेक कर लें, ये आ गया भाई डायनामाइट चिकन, ठीक है। ये आ गया भाई सेटअप बैंकॉक फिश, ठीक है। अच्छा ये मैंने अभी तक इनकी ट्राई नहीं की थी, आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो मेरा फेवरेट है इनका, कंग पाओ चिकन है, ठीक है। कंग पाओ चिकन के साथ ये है मंगोलियन बीफ भाई, ये जो है ना ये डायनामाइट प्राउन है, मैं समझो डायनामाइट चिकन है, ये डायनामाइट प्राउन है, सही है। और किस आखिरी लेवल की चीज़ है। बेगम आ रही हो तो आ जाओ वरना मैं निपटा रहा हूँ। हाँ आ रही हो तो आ जाओ जल्दी, मैं ख़त्म कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड कल बेगम लगा था कि मुझे चाइनीज़ खिलाना, मुझे जो चाइनीज़ है ना सबसे ज़्यादा वो यहीं का पसंद है। और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो पे, हम बातरबाद के सामने खाना खाने के जाते हैं, अभी जो है ना इन लोगों ने कुछ टाइम पहले डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया, तो हमने बोला कि आप जो है ना घर पे मंगा के यही खिलाते हैं बेगम को और अम्मी को। जी बेगम कैसा लगा आपको डायनामाइट प्राउन, कैसा लगा? मजे का है ना मम्मी, आप बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत मजे का। अब बारी है भाई, ये आ गया भाई कंग पाओ चिकन, फुल स्पाइसी सेटअप है। ओहो ये मंगोलियन बीफ है बेगम, सही है। ये नूडल्स के साथ दिया इन्होंने, वैसे राइस के साथ भी होता है लेकिन नूडल के साथ दिया हुआ, सही है। और ये है बैंकॉक फिश, अब बैंकॉक फिश कैसी है जरा ट्राई करते हैं। उफ़ो, ये देखें ये बैंकॉक की जो फिश है ना, अभी ये निपटानी पड़ेगी। सुपर टेस्टी, धुएं निकल गए तुम्हारे, निकले या नहीं निकले? निकले ना, मम्मी धुआं निकल गया ना। और ये अगर आपने डिलीवरी वगैरह मंगानी हो तो ये देखे नंबर लिखा हुआ है इन पे, ठीक है भाई, ये नंबर है, इसके ऊपर आप डिलीवरी मंगवा सकते हैं। सबसे ज्यादा सबसे भाई, अब हम जो है ना घर से बाहर निकल गए हैं क्योंकि आज के एडवेंचर ट्रिप की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं भाई, जरा ये भी देखना है, जायजा लेना है, ठीक है। दूसरा ये कि घर पे लाइट ही नहीं है, मोबाइल की बैटरी लो होने वाली थी, तो व्लॉग कैसे बनाता मैं, कंटिन्यू कैसे करता भाई, ये भी सिलसिला है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आज रात के एडवेंचर ट्रिप की जो है ना यहाँ पे तैयारियां चल रही है, हमारी टीम काम कर रही है माशाल्लाह।
पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतना अर्जेंट में हमें किसी ने पैक करके नहीं दिया, हम खुद पैक कर रहे हैं बोरों के अंदर। भाई आज जो है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था शोरूम के पास से, रेहान भाई के पास से, तो मैंने रेहान भाई को देखा बैठे हुए थे, काफी टाइम हो गई थी मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो मैंने बोला क्यों ना रेहान भाई को पकड़े चक्कर लगाए जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रेहान भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, माशाल्लाह जबरदस्त। और ये देखें यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है रेस, हाँ ये कौन सा मॉडल है? 19 का, 19 का है। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने इसकी, ये देखें भाई बेहतरीन। इंटीरियर चेक करते हैं जरा सा, अच्छा टोयोटा की है। कितनी माइलेज है इसकी? क्या कहते हैं आप लोग, मतलब गाड़ी वाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया या नहीं आ गया बताएं जरा। स्टेयरिंग जबरदस्त, इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। और ये चाबी भी आ गई, मुझे तो लग रहा है रेहान भाई बोल रहे हैं गिफ्ट है मुस्तफा भाई, आप ले जाएं, ले जाओ फिर रेहान भाई। हाँ क्या बात, पुश स्टार्ट। ओहो हो स्टार्ट, ये हाइब्रिड है? अच्छा ये नॉन हाइब्रिड है। 1000 cc है? अच्छा ये अपनी वाली से कम है इसका मतलब? अच्छा लेकिन स्टेयरिंग देखें यार इसका, आह हाँ हाँ एक उंगली पे घूम रहा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छी गाड़ी थी। और ये कितने की है रेहान भाई? 54 की है। और इसकी माइलेज कितनी है? ये लो माइलेज में है, मैं कहते 4-5 हज़ार चली हुई है। ओहो सिर्फ 9,000 चली हुई है, इसका मतलब बिल्कुल न्यू है। ओहो और बिल्कुल ओरिजिनल, क्या बात है भाई, क्या बात है, 5 ग्रेड की, 5A ग्रेड। ओहो ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन है, मज़ेदार गाड़ी है, स्पेस भी इसके अंदर जो है ना अच्छा है, लेकिन बाहर से जो है ना इसका शो है बहुत ज़बरदस्त। वैसे रेहान भाई क्या कहते हैं, मेरी वाली गाड़ी देखे जो है वो आ जाएगी? है आ जाएगी, क्योंकि मेरी गाड़ी भी हो गई है, महंगी हो गई भाई। क्या कहते हैं आप लोग, ये टोयोटा रेस के ऊपर कितने लोग जो है ना कहते हैं कि भाई मुझे चेंज करनी चाहिए, दिखने में तो अच्छी लग रही है गाड़ी। रेहान भाई ने बोला कि आपको जो है ना इस तरह मज़ा नहीं आएगा, आपको ड्राइव कराते हैं, सही है, हम जरा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं रेस। ओहो इसकी मतलब उससे भी अगले मॉडल की हम जो है ना ड्राइव लेंगे, ये 2020 का मॉडल है? 2020। ये कितने की है? ये भी सेम प्राइस है। अच्छा सेम प्राइस है ये, सही। चलें भाई आप लोगों को घुमाते हैं हम रेस के अंदर और देखते हैं कि ज़रा क्या सीन है, गाड़ी चलने में कैसी है, अगर समझ आई तो फिर देखेंगे, एक्सचेंज में तो मिल सकती है हमको, सही है ना। ये देखिए मोबाइल छुबाइल रखने की जगह भी बनी हुई अच्छी खासी, ठीक है। और ये हमने इसको बंद कर दिया, सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने स्टार्ट कर दिया, शीशे खोल देते हैं इसके। क्या बोल रही है जापानीज़ में ये बंदी, मुझे समझ नहीं आ रहा। आह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाए भाई घुमाते हैं आप लोगों को। तो हेडलाइट जो है ना स्टीयरिंग के साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, वो वाला सीन है इसका। आह हाँ हाँ, एसी की कूलिंग है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, दम है गाड़ी के अंदर, एक्सेलेटर दबाया ना तो गई है। और आवाज़ भी नहीं है इतनी, हालांकि हाइब्रिड नहीं है लेकिन आवाज़ नहीं है इतनी इसके अंदर। लेकिन असल सवाल ये है कि एवरेज कितना है इसका, एवरेज अच्छा है, एवरेज कितना दे देती है नॉर्मली शहर के अंदर, कुछ आइडिया है इसका? अभी तक जो आए है वो 12 से 14 का है। अच्छा हाँ, तो सिएंटा भी इतना ही देती है, तक 15-16 देती है शहर के अंदर जो है ना। हम लोग खुली जगह पे लेके जाते हैं, सही, यहाँ पे तो ट्रैफिक इतना है कि हम जो है ना आपको बता ही नहीं सकेंगे कि गाड़ी के क्या सीन है। जो है ना खुले रोड पे आ गए, अब जरा इसको हम भगाते हैं। वाह भाई वाह, है भाई दम है गाड़ी के अंदर, बेहतरीन जबरदस्त। अरे भाई पैसे वैसे पूरे हो गए, सही है, इस गाड़ी का चक्कर वक्कर लगा लिया हमने, आप लोग बताइएगा कि चेंज करनी चाहिए या नहीं चाहिए, या सेंटा सही है। चले भाई रेहान भाई के पास से जो है वो मैं निकल गया हूँ। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि रेस जो गाड़ी है वो तो चले हमने देख ली, आप लोग बताइएगा कि वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दो और गाड़ियाँ आप लोग सजेस्ट करें, मुझे एक गाड़ी नजर आई है और वो रेस से प्यारी है दिखने में, ठीक है, मुझे नहीं पता उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो है किया स्टॉनिक, ठीक है। तो अब जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना उसको चलाऊंगा, उसको जरा चेक करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं, दिखने में तो बड़ी कोई VIP गाड़ी लग रही है, भी 1500 cc। तो आप लोग कॉमेंट करें कि यार किस तरह की है गाड़ी, वो कैसी है, लेनी चाहिए रेस लेनी चाहिए या स्टॉनिक लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेंज की गाड़ियां हैं और एक्सचेंज के अंदर हमको मिल सकती है, जब एक्सचेंज के अंदर हमको मिल सकती है तो हमें जो है वो करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अब जो है वो घर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि जरा क्या सिलसिला है, कितनी देर में एडवेंचर ट्रिप पे हम लोग निकल रहे हैं। वाह भाई वाह माशाल्लाह, आज के एडवेंचर ट्रिप की तैयारियां आप देख लें, जोरों से चल रही हैं, बल्कि इख्तिताम पे ही हैं तैयारियां, हां इख्तिताम पे ही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज सुबह आपको क्या लगा था आपका मोबाइल जाने वाला है? हाँ क्या सीन आया वीडियो के अंदर, वाकई हाँ मैंने देखा, कल आप देखेंगे वीडियो के अंदर भाई, ये देखें ये ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर सारा सामान इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये कराची पूरा जो है ना तारीकी में डूबा हुआ है, सुबह से रात हो गई अभी तक लाइट नहीं आई है। अब मैं बस घर पे पहुंच गया हूँ, घर वालों से मुलाकात करता हूँ, बच्चों से मुलाकात करता हूँ और इसके बाद एडवेंचर ट्रिप हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। दिल कबीर
मोहम्मद अहमद। अरे मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा प्यारा बेटा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कबीर। मैं काम से गया था, गर्मी से हालत खराब हो गई मेरे बच्चे की, लाइट अभी तक नहीं आई है। ओहो, भाई घर वालों से मुलाकात करते हैं सही आराम से और इंशाल्लाह सफर स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा खैरियत से जाएं, खैरियत से आएं और आप लोगों ने इस जर्नी को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगले एक घंटे के अंदर शायद हम लोग निकल जाएंगे, सही है, तो वो नया व्लॉग बनेगा, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और एडवेंचर ट्रिप को इंजॉय कीजिएगा, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।